सहनावतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 260वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। और पिछली कक्षा में शंका समाधान हुआ, उससे पहले वाली कक्षा में हमने पृष्ठ 1630 के अंत तक का भाष्य देखा था। आज 1631 से हमें प्रारंभ करना है, लेकिन पीछे का जो विषय है उसको देखते हुए आगे चलेंगे। पृष्ठ 1630 पर जो कुछ बातें थी उसमें भी प्रश्न थे उसकी स्पष्टता के लिए, और आगे जो चर्चा चलेगी वो उसी को लेकर के चलेगी, इसलिए हम उसकी आवृत्ति भी कर लेते हैं। तो पीछे जो हमने अर्थ देखे थे इसमें पुमान स्वद्वितीयस्य और स्त्री स्वद्वितीया इति, पुमान स्वद्वितीय और स्त्री स्वद्वितीया, इसके विषय में दो बात आई थी। तो इसमें मैंने तो ये बताया था आपको कि पुमान स्वद्वितीय का मतलब हुआ कि जिसमें पुमान है वो दूसरे के साथ में है, यानी है तो स्त्री पुरुष ही, लेकिन पुमान और उसके साथ में एक स्त्री और है, लेकिन कथन पुमान का ही हो रहा है। और दूसरा है स्त्री स्वद्वितीया, इसका मतलब है कथन स्त्री का हो रहा है लेकिन ऐसी स्त्री जो कि दूसरे के साथ में है, यानी पुरुष के साथ में है, ऐसा ऐसा मान करके मैं सारा आगे का भी अर्थ करूंगा। दूसरा एक अर्थ था जैसा दिलीप जी ने कहा था, या नीचे युधिष्ठिर जी ने भी लगभग वैसा ही लिखा है, वो भी एक पक्ष विचारणीय है, लेकिन अभी तो मैं जैसा सोच रखा है या पिछली बार भी जैसा हुआ था उसके आधार पर ही मैं आगे बोलूंगा। उसमें एक दो जगह समस्या है लेकिन उसका अर्थ उस तरह करेंगे, लेकिन इस ढंग से अगर करेंगे कौन सा कि पुमान स्वद्वितीय का मतलब है कि एक पुरुष और एक पुरुष के साथ में दूसरा भी पुरुष ही है, और स्त्री स्वद्वितीय का मतलब होगा कि पुमान और दूसरा है स्त्री, पहले में है दोनों पुरुष, एक में है पुरुष और स्त्री, ऐसा अर्थ लेके करेंगे तो अधिक जटिलता है, अधिक अस्पष्टता है। कुछ जगह तो ये घट जाता है लेकिन ये कुल मिलाकर के नहीं घटेगा, और जो भूमिका है उसकी दृष्टि से भी ये नहीं घटेगा, क्योंकि जहां दोनों पुमान है वहां तो फिर चर्चा की बात ही नहीं है, उसको लेकर के तो चर्चा ही नहीं है। तो फिर भी ये पक्ष, ये जो इसकी जैसी व्याख्या है वो विचारणीय है, और उस पर और आप लोग भी विचार कीजिए, उसमें और संशोधन होगा तो उसको करेंगे। हाँ रमन जी, एक बार जो आपके जो अभी दो पक्ष बताए, एक बार स्पष्टता नहीं हो रही मुझे तो। हाँ देखो, मैंने जो बोला वो तो ये बोला कि पुमान स्वद्वितीय है, द्वितीय न सह इति सद्वितीय, जो दूसरे के साथ में है वो दूसरा पुरुष है या स्त्री है ये यहां पता नहीं लग रहा है, लेकिन प्रसंग से हम लेंगे कि स्त्री दूसरी है जिसके, ऐसा पुरुष। वसानौ शब्द जब हम बोलेंगे, अब इसमें जो औकार आया है तो पुल्लिंग में, तो यहां पर प्रथम तो अर्थ आता है कि दो पुरुष हैं जैसा पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो वो तो हटा ही दिया हमने। अब जहां औ स्त्री और पुरुष दोनों को कहने वाला हो तो वहां पर ये ऐसे पुरुष को कह रहा है जिसके साथ में स्त्री है, अथवा ये ऐसी स्त्री को कह रहा है जिसके साथ में पुरुष है,
ये किसको कह रहा है? पुमान स्वद्वितीय, स्वद्वितीय है मैं पुल्लिंग है, इस स्वद्वितीय है पुमान का विशेषण है, ठीक है। द्वितीयेन सह इति स्वद्वितीय, और द्वितीयेन सहिता इति सद्वितीया, वो है स्त्री, ये स्त्री का विशेषण बनेगा। तो ऐसी स्त्री जो जिसके साथ में कोई और है, यानी कोई पुरुष है, और पुरुष ऐसा जिसके साथ में कोई और है यानी स्त्री है, ऐसे दो अर्थ बनेंगे। ये तो एक प्रथम अर्थ है जैसा लेकर के मैं यहां पर चल रहा हूं। और जो दूसरा पक्ष है वो क्या, पुमान स्वद्वितीय का मतलब हुआ कि जिसके साथ में पुरुष है, यानी वो भी पुरुष है और दूसरा भी पुरुष है, और स्त्री स्वद्वितीय मतलब ऐसा पुरुष जिसके साथ में स्त्री है। तो पहला वाला जो अर्थ है पुरुष जिसके साथ में पुरुष है, वहां तो दोनों ही पुरुष हो गए, और दूसरा दूसरा वाला जो स्त्री स्वद्वितीय का मतलब हुआ ऐसा पुरुष जिसके साथ में दूसरी स्त्री है, यानी एक पुरुष और एक स्त्री हो गए ऐसे, ठीक है। तो जो दूसरा पक्ष है जो दिलीप जी ने रखा है, नीचे युधिष्ठिर जी ने जिस ढंग से लिखा है, उसका झुकाव इसी तरफ है कि पुमान स्वद्वितीय का मतलब हुआ दोनों पुरुष हैं, और स्त्री स्वद्वितीय का मतलब हुआ एक पुरुष और एक स्त्री है। मैं जो अर्थ लेकर के चल रहा हूं वो ये है, पुमान स्वद्वितीय का मतलब है कि पुरुष स्त्री के साथ में कहा जा रहा है, यानी पुरुष के साथ में स्त्री है, और स्त्री स्वद्वितीय ऐसी स्त्री है जिसके साथ में कोई और है पुरुष है, यानी इसमें दोनों ही जगह पर एक स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों है, लेकिन पहले में पुरुष को कहा जा रहा है और दूसरे में स्त्री को कहा जा रहा है, वसानों से, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, वसानों में जो औ आया है वो इन दोनों में से किसको कहने वाला होना चाहिए, ये सब तो चर्चाएं चलेंगी अभी। तो देखिए यहां फिर से देखिए 1630 पे हम ले लेते हैं, और थोड़ा सा पीछे से लीजिए, 1629 में दूसरे अनुच्छेद से ले लेते हैं। आह, सिद्धांती कह रहा है वसानौ इति नायम केवलम पुल्लिंगे एव, ये केवल पुल्लिंग में ही नहीं होता है कि दो पुरुष हैं इसलिए वसानौ शब्द आया है, क्योंकि पूर्व पक्षी वसानौ का अर्थ ले रहा था कि दो पुरुष जो कि आधान करेंगे, जो क्षौम वस्त्र पहने हुए हैं वो आधान करेंगे, ऐसे दो पुरुषों को ले रहा था वो, इसलिए इसने वे विचार दिखाया सिद्धांती ने कि भाई ये जो औ है वसानौ ये केवल दो पुल्लिंग में ही आता हो ऐसा नहीं है, स्त्री पुंचयो अपि अभिधायको भवति, स्त्री और पुंछ दोनों जहां उसका भी यही वसानौ शब्द अर्थ देता है, यानी दोनों बातें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कहा यथा कुक्कुटश्च कुक्कुटी च कुक्कुटौ, अब यहां ये स्त्री पुरुष दोनों का विधायक है कुक्कुटौ, ऐसे ही वसानौ भी हो जाएगा। शुक्रश्च शुक्री च शुक्रौ इति, यहां पर भी शुक्र और शुक्री दोनों का विधायक है। एवं वसानश्च वसाना च वसानौ स्यातामिति, ये होने चाहिए। तो इस दृष्टि से पुरुष एक ही होगा और वसानौ शब्द स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर के कह रहा है, ये सिद्धांति का पक्ष है। अब देखिए पूर्व पक्षी किस तरह से कह रहा है, अत्रोच्यते यत्र नार्थः प्रकरणं वा विशेषकं विधायकश्च शब्दः नानुवादः तत्र द्वौ पुमांसौ गम्येते। अब चर्चा यह हो गई कि वसानौ या कुक्कुटौ या शुक्रौ, यहां पर दो पुरुष लिए जाएंगे तो कब लिए जाएंगे, अथवा दो पुरुष जब नहीं लिए जाएंगे तो कब लिए जाएंगे। तो दो पुरुष तब लिए जाएंगे जब यत्र न अर्थः प्रकरणं वा विशेषकं, कि इन दोनों का, इनका वसानौ आदि ऐसे शब्दों का विशेषक न तो कोई अर्थ हो वहां और न ही कोई प्रकरण हो। यदि अर्थ या प्रकरण कुछ विशेषक हो गया तो उस विशेषक के अनुसार इसका अर्थ लिया जाएगा। अब वो विशेषक यदि दो पुरुषों का है तो दो पुरुष लिए जाएंगे, और स्त्री पुरुष दोनों का है तो वो लिए जाएंगे। यानी वसानौ अपने आप में ये निर्णायक निर्णय नहीं दे सकता, या वसानौ को देख करके हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि यहां पर कौन सा है, दोनों हो सकते हैं बस ये संभावना हमें पता है। तो अर्थ के कारण या प्रकरण के कारण से हम वहां कुछ ना कुछ दोनों में से एक निर्णय कर लेंगे, लेकिन ना तो अर्थ हो ना प्रकरण हो। अर्थ का मतलब स्वभावतः अर्थ की प्राप्ति यहां पर किसकी हो रही है,
तो न तो अर्थ हो और न ही प्रकरण से पता लग रहा हो, तब इसका कौन सा अर्थ लेंगे? वसानव का अर्थ होगा, प्रकरण होगा तो उसके अनुसार ले लेंगे कोई सा भी, दोनों पुरुष या एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हो तब कौन सा लेंगे, तब कौन सा लेना चाहिए? तो कह कि तब दोनों पुरुष ही लेने चाहिए, भले ही अर्थ और प्रकरण से उसकी पुष्टि नहीं हो रही हो तो भी बलवत्ता किसकी मानी जाएगी? दो पुरुष का ग्रहण होगा। इसलिए कहा यत्र नार्थः प्रकरणं वा विशेषकम्। और इसके साथ साथ एक और बात कही कि विधायकश्च शब्दः नानुवादः, और वो जो शब्द है वो विधायक होना चाहिए, अनुवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद यदि हुआ तब फिर वहां पर स्त्री आ सकती है। लेकिन यदि विधायक है तो ना तो अर्थ है और ना प्रकरण है, लेकिन वो शब्द विधायक है तो निश्चित रूप से वहां पर दो पुरुष का ही ग्रहण, पुम द्वित्व का ही ग्रहण होना चाहिए। तो विधायकश्च शब्द, शब्द विधायक हो और ना अनुवाद, अनुवाद नहीं हो, तत्र द्वौ पुमांसौ गम्यते, वहां दो ही पुरुष का ग्रहण होता है। तो यहां पूर्व पक्षी यही कहना चाह रहे हैं ना तो अर्थतः प्राप्ति है कि भाई यहां स्त्री और पुरुष दोनों होने चाहिए, आधान के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है, संतानोत्पत्ति के लिए दोनों की आवश्यकता है, वो स्वभावतः अर्थतः प्राप्त है, इसलिए अर्थतः प्राप्ति तो आधान में स्त्री पुरुष की है नहीं, और न ही कोई ऐसा प्रकरण है, और ये शब्द विधि रूप में भी है, तो इसलिए यहां पर दो पुरुष ही लिए जाएंगे, अनुवाद है नहीं ये, इसलिए जो कहा जा रहा है औम विशिष्ट वो ही दो लिए जाएंगे। उसके लिए अपना ये उदाहरण दे रहा है, यथा द्वौ आनय इत्युक्तः पुमांसौ आनयति, द्वौ आनय दो को लेके आओ। अब द्वौ शब्द है, दो कौन है ये तो कहा नहीं गया, वाक्य से पता नहीं लग रहा है, बस द्वौ कहा जो पुल्लिंग में आता है, न अर्थतः प्राप्ति है कुछ, न प्रकरणतः प्राप्ति है, और यहां ये विधेय है द्वौ आनय, दो को लेके आओ, विधि है, विधि है, तो यहां पर पुमांसौ आनयति, दो पुरुषों को ही लेकर के आता है। अब यहां ये संदेह नहीं कर सकता वो कि जी आपने द्वौ कहा था तो एक पुरुष को और एक स्त्री को ले आया मैं, ये नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप स्त्री को ला रहे हो तो या तो अर्थतः प्राप्ति हो या प्रकरणतः प्राप्ति हो और या फिर वो अनुवाद हो तो ही स्त्री को ला सकते हैं साथ में, नहीं तो द्वौ कहने पर दो पुरुष ही आएंगे। अब आगे कहते हैं कि द्वे आनय इति स्त्रियौ, जब यूं कहा जाएगा द्वे आनय तो आप निश्चित रूप से दो स्त्रियों को ही लाया जाएगा, क्योंकि द्वे शब्द स्त्रीलिंग में है। तेन स्त्रियो वचनम एकारांतम द्विवचनम इति गम्यते, इसलिए स्त्रियों का वाचक वाचकम एकारांत द्विवचन है ये जाना जाता है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। अच्छा, औकारांतम अपनी द्वयो पुंसोर वाचकम इति, और इससे यह सिद्ध होता है कि जो औकारांत है वो दो पुरुषों का वाचक है। पूर्व पक्षी यही चाहता था कि औकारांत दो पुरुषों का वाचक हो तो दो के द्वारा आधान सिद्ध हो जाएगा, तब ये क्या मान के चल रहा है दो पुरुषों का वाचक है। अब स्त्री, अब सिद्धांति कह रहा है इसके ऊपर, बोले अच्छा ठीक है जहां ये सब चीजें हैं, लेकिन यत्र इदानीम स्त्री पुंसयोः प्रयुज्यमानम औकारम दृश्यते, जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों से प्रयुज्यमान औकारांत दिखता है, यानी जहां स्त्री और पुरुष दोनों को कहा जाता है, तो अब ये जो प्रसंग उठाया है वो कैसा है? दो पुरुषों वाला नहीं है कि दो पुरुषों वाला या एक पुरुष और स्त्री वाला नहीं है, अब ये प्रसंग ही कौन सा उठा लिया है? एक पुरुष और एक स्त्री वाला, क्योंकि संदेह तो इसी में ही है। अब उसकी विवेचना चल रही है, इसलिए आगे की विवेचना जो चलेगी हमको इसी को ध्यान में रख करके करनी पड़ेगी। तो यत्र इदानीम स्त्री पुंसयोः प्रयुज्यमानम औकारम दृश्यते, हमें पता है कि यहां स्त्री पुरुष दोनों का है, तत्र वहां पर किम पुमान स्वद्वितीयः तस्य निमित्तम, ये जो प्रयुज्यमान है इससे प्रयुज्यमान होकर के, स्त्री पुरुष से प्रयुज्यमान होकर के औ आ रहा है, यानी औ का निमित्त स्त्री और पुरुष दोनों बन रहे हैं, औ को लाने में निमित्त कौन बन रहे? स्त्री और पुरुष। जिस जगह स्त्री और पुरुष दोनों औ को लाने में निमित्त बन रहे हैं उन स्थलों पर कौन सी स्थिति निमित्त बन रही है? ये दो स्थितियां रख रहा है कि तत्र किम पुमान स्वद्वितीयः, दूसरे के सहित पुमान यहां पर निमित्त बन रहा है, और दूसरा कौन होगा? वो स्त्री ही ली जाएगी, क्योंकि प्रसंग उन्हीं दोनों वाला है। तो पुमान स्वद्वितीयः, दूसरे के सहित जो पुरुष है यानी स्त्री के सहित जो पुरुष है वह तस्य निमित्तम, इस औ का निमित्त है, उत स्त्री स्वद्वितीया इति,
अथवा वो स्त्री जो कि पुरुष के साथ में है वो इसका निमित्त बन रही है, क्योंकि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों हो सकते हैं, उनमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पुरुष को कहना है स्त्री साथ में है, स्त्री को कहना है वो पुरुष के साथ में, दोनों ही जगह स्त्री पुरुष दोनों है, तो ये जो प्रयोग किया जाएगा वो दोनों में से कौन सी जगह पे किया जाएगा? उच्चते, पूर्व पक्षी कह रहा है पुंसी स्वद्वितीय दृष्टः, पुरुष के साथ जब स्त्री होगी तब ये प्रयोग देखा जाता है, यानी पुरुष तो वहां पर कहने पुरुष की को कहना तो वहां पर अपेक्षित है ही, भले ही स्त्री साथ में हो लेकिन पुरुष को कहना यहां पर अभीष्ट है। पुंसी स्वद्वितीय दृष्टः तो यथा ब्राह्मण आनय इति, जैसे कि ब्राह्मण दो ब्राह्मण को लेके आओ। अब यहां समस्या क्या थी हमारे देखने में कि हम ब्राह्मण आनय कहने पर, जैसे ऊपर का ना दो आनय तो दो पुरुष लाते हैं, तो ब्राह्मण आनय ये कहने पर दो पुरुष ब्राह्मण लेकर के आए जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं ले लीजिए यहां पर कि ब्राह्मण आनय इत्युक्ते यथा ब्राह्मण आनय इति, यहां पर पुरुष और स्त्री वाले जो दो ब्राह्मण हैं उसको यहां लेना होगा, कि जैसे यहां पर कहा जा रहा है ब्राह्मण आनय तो ऐसे ब्राह्मण को लेके आओ जिसके साथ में उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी हो, क्योंकि यहां पर पहले से ये प्रसंग लगा दिया कि स्त्री पुरुष हो प्रयुज्य मानय, जब अवकार स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है ऐसे में जब ब्राह्मण आनय कहा जाएगा तो पुरुष ब्राह्मण को स्त्री ब्राह्मणी के साथ में लाना है, ये कथन किया जा रहा है। एक तो हम ये अर्थ लेते हैं कि दो को लेके आओ दोनों को स्वतंत्र रूप से, इसमें प्रधानता अप्रधानता की बात है, तो पुरुष की प्रधानता रखते हुए ये कथन किया जा रहा है। तो यथा ब्राह्मण आनय इति यहापि, यहां पर भी पुमान स्वद्वितीयो अर्थः, यहां भी ऐसा ही अर्थ है, तो अब ये जो है ना यहापि पुमान स्वद्वितीयो अर्थ, अब ये जो कथन किया जा रहा है ना ये पूर्व पक्षी के लिए संगत नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी क्या कह रहा है दो पुरुष की बात कर रहा था, अगर वो इसको स्वीकार करता है ब्राह्मण आनय की तरह से तो उसका पक्ष तो खंडित हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकल रहा है पुरुष स्त्री के साथ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको यहां से जोड़ करके नहीं देखिए, यहां से जोड़ करके नहीं देखिए, तो यहापि ये पूर्व पक्षी सिद्धांत की बात को मान नहीं रहा है, तो यहापि पुमान स्वद्वितीयो अर्थ, इसमें ये जो पंक्ति है ना इसकी संगति उसमें ज्यादा है जहां दो पुरुष लाए जाते हैं ब्राह्मणों में भी, और यहापि पुमान स्वद्वितीयो अर्थ हम इसको पूर्व पक्षी का मान रहे हैं, यहां थोड़ी अड़चन है इसमें जो अर्थ हम ले रहे हैं उसमें, लेकिन इसकी भी संगति दूसरे ढंग से लेनी चाहिए, यहापि पुमान स्वद्वितीयो अर्थ है, बोले नहीं यहां भी अगर इसको यूं मान करके कहेंगे कि यदि यहां पर स्त्री पुरुष दोनों का ग्रहण हो तो अभ्युपगम से, वास्तव में स्त्री पुरुष दोनों नहीं है पूर्व पक्षी के मत में, दोनों पुरुष ही हैं, अभ्युपगम से बोलेगा क्योंकि प्रसंग ही सारा उठा रखा है स्त्री और पुरुष का, यदि स्त्री पुरुष दोनों में से हो यहां पर तो यहापि पुमान स्वद्वितीयो अर्थ, पुरुष स्त्री के पुरुष के साथ में स्त्री, यही अर्थ लिया जाएगा। तस्मात पुम निमित्त इति गम्यते, इसलिए जो औ है ये निमित्त तो इसमें पुरुष ही है, भले ही स्त्री साथ में है लेकिन पुम निमित्तक है, यदि स्त्री स्वद्वितीया इसका अर्थ होता तो वो स्त्री निमित्तक हो जाता, अगर पुमान स्वद्वितीय है तो भले ही स्त्री साथ में है लेकिन औ पुन निमित्तक ही है, स्त्री स्वद्वितीया होती यानी स्त्री जिसके साथ में पुरुष है ये औ का निमित्त होता तो ये औ स्त्री निमित्तक हो जाता, क्योंकि प्रधानता स्त्री की हो जाती, इसमें दोनों हैं लेकिन मुख्य निमित्त उसका स्त्री हो जाती, ये भेद होता, तो बोले कि जहां स्त्री पुरुष दोनों आ रहे हों और वसानऊ कहा जाए या कुक्कुटऊ कहा जाए वहां पर औ है तो पुम निमित्तक ही, क्योंकि वही प्रधान रूप से कहा जा रहा है, स्त्री साथ में है गौण रूप से, तो तस्मात पुम निमित्त इति गम्यते, इस पे सिद्धांत कह रहा है अत्र आह प्रयोगो यदि दृष्टम प्रमाणम द्वयोः पुंसोर दृष्टः कथम एकस्मिन् स्यात्। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने पहले प्रयोग को आधार बना के कहा था कि प्रयोग ये देखा जाता है दो आनया दो पुरुष लाए जाते हैं, तो कहते हैं वो कह रहा है कि प्रयोगो यदि दृष्टम प्रमाणम, यदि प्रयोग ही दृष्ट प्रमाण है लोक में वही प्रमाण है
तो अभी आपने जो कह दिया, तो ये कैसे कह दिया, द्वयो पुंसो दृष्टः, जो दो पुरुषों में देखा जा रहा है आपके हिसाब से तो प्रयोग ये है, दो पुरुषों में देखा जा रहा है, तो कथम एकस्मिन स्यात्, ये एक को कहने में औ कैसे आ गया है। अब एक को कहने का मतलब हुआ जब पुरुष और स्त्री दोनों हैं, भले ही पुरुष की प्रधानता है, पुरुष निमित्त का औ आया है, लेकिन बोले एक को कहने में क्यों आ गया। जब आप कह रहे हो कि लोक में दो को, दोनों पुरुषों तब औ आता है, तो यहां एक को कहने में कैसे आ गया ऐसे स्थलों पर। तो कथम एकस्मिन स्यात्, एक में कैसे हो सकता है, तो इसमें फिर पूर्व पक्षी उसका समाधान करना चाह रहा है। तत्र उच्यते पुंसी च द्वित्ते च दृष्ट इति शक्यते वदितु, बोले हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि पुंस्त्व में और द्वित्व में ये विद्यमान है, पुंस्त्व में और द्वित्व में विद्यमान है। पुंसी च द्वित्ते च दृष्ट वदितुम न द्वयो द्रव्योरिति, ये दो द्रव्यों को कहने में नहीं है। अब देखिए कि पुंस्त को कहने में है, क्योंकि पुंस्त निमित्तक है, पुंस्त की प्रधानता है, और चूंकि यहां पर दो है इसलिए दो संख्या आ गई। बोले पुंस्त और द्वित्व को कह रहा है, न कि दो द्रव्यों को। दो द्रव्य कौन, स्त्री और पुरुष, जो दो द्रव्य हैं, दो व्यक्ति हैं, उनको कहने में नहीं है। ये सिद्धांती कह रहा था कि आप ये दो द्रव्यों को क्यों ले आए फिर, स्त्री और पुरुष को, तो कहता है कि नहीं ये दो द्रव्यों को नहीं कह रहा है, ये पुंस्तु को कह रहा है, पुंस्तु निमित्तक है और दो संख्या को कह रहा है। तो दो संख्या तो है ही, स्त्री और पुरुष है तो दो संख्या तो हो ही गई, और पुंस्तु निमित्तक है, ये पुंस्तु को कह रहा है, पुंस्तु की प्रधानता है इसलिए पुंस्तु को कह रहा है। द्रव्य को कह के उसने हटा दिया, आपत्ति को हटाना चाहता है। यदि दो द्रव्यों को भी कह रहा होता, क्योंकि सिद्धांति कह रहा था कि दो द्रव्य आप स्त्री और पुरुष दोनों को ले रहे हो इसमें, तो बोले नहीं द्रव्य को नहीं कह रहा है, ये हम ऐसे कह देंगे कि पुंस्तु को कह रहा है और द्वित्व को कह रहा है। तो पुंस्तु वहां पर है, पुंस्तु वहां पर है, ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि दोनों द्रव्य पुंस्तु विशिष्ट हो, द्रव्यों के साथ पुंस्तु नहीं जोड़ रहा है वो, पुंस्तु को कहने में है तो पुंस्तु तो है, एक है तो भी पुंस्तु है, और द्वित्व को कह रहा है संख्या भी दो है, तो बस इसको कह रहा है पुंस्तु और द्वित्व को कह रहा है, दो द्रव्यों को नहीं कह रहा है। द्रव्य को हटा दिया पूर्व पक्षी ने अपने दोष को हटाने के लिए। तो इसलिए कहा पुंसी च द्वितीय च दृष्ट इति शक्यते वदितुम न द्वयोर द्रव्योर इति। आगे पुम भावम द्वित्वम च एष शब्दो न व्यभिचरति। अब जो पूर्व पक्षी ने निर्णय निकाला कि पुंस्त और द्वित्व को कह रहा है, तो उसके उत्तर में कि भी क्यों पुंस्त और द्वित्व को ही कह रहा है, द्रव्य को नहीं कह रहा है, उसके लिए अपना हेतु प्रस्तुत कर रहा है अन्वय व्यतिरेक से। बोले कि ये शब्द पुम भाव और द्वित्व को कभी भी व्यभिचार नहीं करता है। औकारांत जो शब्द होगा उसमें पुंस्त अवश्य रहेगा, चाहे एक का हो, पुंस्त अवश्य रहेगा, कभी भी व्यभिचार नहीं होगा और द्वित्व का भी व्यभिचार नहीं होगा। तो यही इसका वास्तविक अर्थ है, औ का द्रव्य नहीं है, लेकिन द्रव्यम पुनर्व्यभिचरति, द्रव्य का तो व्यभिचार कर देता है, हमेशा वही द्रव्य हो ये कोई आवश्यक नहीं है। एक पुरुष और एक स्त्री, कोई द्रव्य तो दो अलग अलग हो सकते हैं, तो द्रव्य का तो व्यभिचार करता है लेकिन पुंस्त और द्वित्व का व्यभिचार नहीं करता है, इसलिए पुंस्त और द्वित्व को ही कहने के लिए आया है, यही इसका वास्तविक अर्थ है। तो यहां पर भी घट जाएगा, यहां पर मतलब उन शब्दों में जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों का ग्रहण हो रहा है, लेकिन वसानों को स्वीकार नहीं कर रहा है वो कि वसानों में भी ऐसा ही है, जहां दो प्रयोग होते हैं, जहां दोनों सम्मिलित होते हैं वहां तो हो जाएगा, लेकिन वसानों में दोनों है या नहीं है ये तो फिर अलग आगे चर्चा का बिंदु बनेगा। जहां दोनों होते हैं वहां के बारे में ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो द्रव्यम पुनर्व्यभिचरति अपिच, ये पूर्व पक्षी ही बोल रहा है अपनी बात की पुष्टि के लिए, अपिच युगपत अधिकरण वचनतायाम द्वंद्व स्मृते द्विवचन बहुवचनोपपत्तेश्च। बोले युगपत अधिकरण को कहने की इच्छा में, जहां दो अधिकरणों को एक साथ कहा जा रहा है, दो अधिकरणों को, जैसे राम लक्ष्मण हो, राम एक अधिकरण है, लक्ष्मण एक अधिकरण है, च के अर्थ में द्वंद्व होता है और उभय दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों ही अधिकरण वहां पर हैं। राज पुरुष में तो उत्तर पुरुष की प्रधानता होती है, उसमें दो अधिकरण नहीं होते, युगपत अधिकरणता नहीं होती है, राज पुरुष में तो पुरुष की ही अधिकरणता है, राज विशिष्ट पुरुष। लेकिन द्वंद्व में जहां दोनों अधिकरणों की को कहना होता है, दो या दो से अधिक जो भी हो एक साथ कहना होता है, युगपत अधिकरण वचनतायाम द्वंद्व स्मृते है, द्वंद्व की स्मृति में, द्वंद्व जहां पर हो,
द्वंद्व समास के स्मृत होने से, शास्त्र में होने से द्विवचन बहुवचनोपपत्तेश्च, और वहां पर एक में भी द्विवचन और बहुवचन की उपपत्ति देखी जाती है। एक तो द्वंद्व समास में जहां चार्थे द्वंद्व है, दो तीन चार जितने भी हैं उसके अनुसार द्विवचन या बहुवचन आ जाएगा, और दूसरा जब एक शेष किया जाता है तो कुक्कुटश्च कुक्कुटी च इति कुक्कुटौ, ये जो आ जाता है एक शेष, इसमें द्विवचन और बहुवचन भी देखा जा सकता है। कुक्कुटश्च कुक्कुटश्च कुक्कुटी च इति कुक्कुटाः, बहुत भी आ जाएगा। दे उस एक शब्द होगा, शब्द एक ही है लेकिन फिर भी बहुवचन आ जाएगा। दूसरा इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं ये कि द्वंद्व समास का विग्रह है। एक जब हम करते हैं कुक्कुटौ, तो कुक्कुटौ का विग्रह है, हम सामान्यतः क्या करते हैं कुक्कुटश्च कुक्कुटी च, ये हम विग्रह करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं जो अभी आगे उदाहरण स्वयं भी दे रहे हैं कि जिस समय विग्रह किया गया तो कुक्कुटौ च कुक्कुट्यौ च इति कुक्कुटौ, जिस समय कुक्कुटौ बोला उसमें भी कुक्कुट की प्रधानता है लेकिन कुक्कुटी भी उसमें सम्मिलित है, और जिस समय कुक्कुट्यौ बोला उस समय कुक्कुटी और उसके साथ में कुक्कुट भी विद्यमान है, यानी दूसरे को साथ में लेते हुए विग्रह किया जाता है। समास में तो मिल ही रहे हैं, विग्रह में भी दोनों को मिला करके बोला जाता है, उसके लिए देखो उदाहरण दे रहे हैं। प्रमित्रयोर वरुणयोः इति दर्शनार्थ, ये ऋग्वेद का है, सातवें मंडल का है, 66वें सूक्त का पहले मंत्र का अंश है। प्रमित्रयोर वरुणयोः, अब देखिए हम सामान्यतः क्या देखेंगे, मित्रयोः द्विवचन है, वरुणयोः द्विवचन है, तो कितने जने हो जाएंगे, चार जने हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या है, मित्रयोः में जो द्विवचन है वो मित्र और वरुण को साथ में लेते हुए, मित्र के साथ साथ वरुण को साथ में लेते हुए द्विवचन है, और वरुणयोः में वरुण को कहना है लेकिन साथ में मित्र को जोड़ते हुए द्विवचन है। ये वास्तव में चार नहीं है, हैं तो दो ही, ये भी दो क्योंकि दूसरे साथ में है, और ये भी दो, ये भी साथ में है, ये भी एक विग्रह का प्रकार है, देखा जाता है। इति दर्शनात, ऐसा देखा जाने से, ये एक बात कही। दूसरी बात वो कह रहा है, इसके लिए युधिष्ठिर जी ने भी लिखा जैसे धव खदिरऊ कहा जाता है, धव खदिरऊ, धव भी वृक्ष का नाम है और खदिर भी वृक्ष का नाम है, तो इसके विग्रह करने में करते हैं तो धवऊ भी बोलते हैं और खदिरऊ भी बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए था धवश्च खदिरश्च, ये तो हम सामान्यतया बोलते हैं, लेकिन धवऊ भी बोला जाता है और उसमें ये अंतर्भावित है कि इसमें खदिर भी है, यानी एक तरह से एक शेष करके बोला जा रहा है यहां पर। जब धव खदिरऊ बोला, ये तो द्वंद्व समास है, और इसका विग्रह करते हुए जब धवऊ और खदिरऊ बोला तो इसमें धव और खदिर का एक शेष करके केवल धव में द्विवचन कर दिया, और खदिर को खदिरऊ बोलते हुए यहां भी एक शेष करते हुए यहां पर खदिर को लेते हुए द्विवचन ले आए हैं, इस तरह के प्रयोग भी देखे जाते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, इतरेतर योगे चार्थे समास विधानात् द्वंद्वापवादाच एक शेषस्य, और इतरेतर के योग में च के अर्थ में समास का विधान है, चार्थे द्वंद्व इतरेतर योग में यह समास होता है, इसके होने से और द्वंद्व का अपवाद होने से एक शेष से, एक शेष के, एक शेष द्वंद्व का अपवाद है। एक विषय काफी चलता है कि एक शेष को समास माने या ना माने, तो अष्टाध्यायी व्याकरण सीधे सीधे हम पाणिनि की दृष्टि से देखते हैं तो एक शेष कोई समास नहीं कहलाता है, यहां उसको एक शेष को द्वंद्व का अपवाद कहा गया, और अपवाद होने से वो भी समास माना जाएगा, और जो कौमुदी के ग्रंथ हैं वहां पर एक शेष को एक अलग से समास के रूप में कथन किया जाता है, कौमुदी के जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं उसमें एक शेष को अलग से समास नाम से कहा जाता है, और पाणिनि व्याकरण की दृष्टि हम सीधे सीधे देखते हैं तो एक शेष अपने आप में समास नहीं है, अलग से समसनम समास है, आप कह लो कि छोटा कर दिया एक शेष कर दिया, लेकिन ये समास प्रकरण में नहीं है और समास नहीं है। तो यहां भी उसको द्वंद्व समास का अपवाद भले ही कहा जा रहा है कि जब द्वंद्व नहीं करना होता है तो एक शेष होता है, लेकिन फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि एक शेष समास हो गया है। जो रूढ़ी योग रूढ़ी समास है उसके अंतर्गत वो नहीं आएगा, लेकिन ये उसका अपवाद है कि ऐसा ना कहकर के ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए कहा इतरेतर योगे चार्थे समास विधाना द्वंद्वापवादाच
च एक शेषस्य, एक शेष के द्वंद का अपवाद होने से। यथैव खदिरौ च धवौ च इति निदर्शनम क्रियते, यहां पर इतरेतर के योग में एक शेष किया जा रहा है। ये जो है खदिरौ च धवौ च, ये जो निर्देश किया जा रहा है ये इतरेतर योग में एक शेष किया हुआ है। तो हम कहेंगे कि धव खदिरौ, और इसका विग्रह करते हुए जब हम धवौ च खदिरौ च ये जब हम कथन कर रहे हैं तो इतरेतर योगता मानते हुए एक शेष कथन किया जा रहा है। यहां पर दोनों में से एक को बचा लिया गया, इधर धव को बचा लिया, उधर खदिर को बचा लिया। तो यथैव धव खदिर धवौ खदिरौ च धवौ च इति निदर्शनम क्रियते एवं अत्रापि द्रष्टव्यम, ऐसे ही यहां पर भी समझना चाहिए। आगे तस्मात् पुंसी द्वित्वे च वर्तते इति गम्यते। तो यहां पर ये जो पुंसी द्वित्वे का मतलब है पुंसीस्व द्वितीय च वर्तते इति गम्यते, यानी यहां पर ये जो है पुंसी और द्वित्व में विद्यमान है कौन, वसानौ शब्द। पूर्व पक्षी अपनी बात को पुष्टि कर रहा है कि वसानौ शब्द जो है ये पुंस में और द्वित्व में विद्यमान है, बस इतना सा जाना जाता है। न च स्त्री द्वित्वे दृष्टा, इसे ये नहीं पता लगता, ये नहीं होता कि स्त्री स्वद्वितीया में ये विद्यमान है। बस ये शब्द पुंस्त में और द्वित्व में विद्यमान है, द्रव्य में विद्यमान नहीं है। अगर आप स्त्री पुरुष दोनों ले लोगे तो द्रव्य में विद्यमानता देखने लगोगे, द्रव्य में विद्यमानता नहीं देखनी है इसकी, जैसा उसने पीछे कहा था। आगे इस पे सिद्धांत कहता है अत्राह ननु अत्रैव दर्शनात् स्त्री पुंसयोर वाचका इति गम्यते। और यहीं पर देखे जाने से, यहीं पर मतलब तो यहां पर पुंसी स्वदिति है जहां पुरुष और स्त्री दोनों हो, वहां पर इस तरह से कि स्त्री पुंसयोर वाचका इति, ये स्त्री और पुंस का भी तो वाचक होता है, यहीं पर ही देख लीजिए आप, यहां पर स्त्री पुंस का भी वाचक हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अत्रोच्यते उक्तम एतत्, बोले इस विषय में तो हमने कह ही दिया है कि अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, एक के अनेक अर्थ लेना यह अन्याय है। आप वसानौ शब्द के दो पुरुष, पुरुष वाला अर्थ ले और एक पुरुष और स्त्री दोनों अर्थ यहां से आप लेने लगो तो ये तो उचित नहीं है। इति पुमान स्वद्वितीयो अस्य अर्थो भविष्यति, इसलिए इसका अर्थ क्या लिया जाएगा, पुमान स्वद्वितीय। यहां पुमान स्वद्वितीय का अर्थ लेंगे पुरुष सहित पुरुष, सिद्धांति पूर्व पक्षी जो वसानौ का अर्थ ले रहा है, क्योंकि दो अर्थ तो ले नहीं सकते हो आप कि पुरुष और स्त्री, इसलिए केवल दो पुरुष अर्थ ही लिया जाएगा। यहां पुमान स्वद्वितीय का मतलब पुरुष सहित पुरुष। स्त्री पुंस उच्च इति अन्यायम, स्त्री और पुरुष दोनों अर्थ लेना यहां पर अनुचित है। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं अथे इदानीम स्वद्वितीय से पुंसो विधौ को अन्य सहाय इति, बोले ये जो वसानौ है इसमें आप दो पुरुषों का ग्रहण कर रहे हो तो स्वद्वितीय से पुंसो, यानी पुरुष पुरुष का ग्रहण कर रहे हो, इसकी विधि में और कौन सी चीज सहायक है, क्योंकि वसानौ के तो दोनों अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आप जो पुरुष पुरुष अर्थ ले रहे हो इसमें और कौन सी चीज सहायक है जिससे आपकी इसकी पुष्टि होती हो, कोई और हेतु आपको देना पड़ेगा, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। तो इन इसकी पुंसो विधौ को अन्य सहाय, तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है स्त्रिया अनभिधेयत्वात्, और स्त्री की तो अनभिधेयता है, या औ जो है वो स्त्री को कहता ही नहीं है, इसलिए एक हेतु। और अवश्यम भावित्वाच्य द्वितीय से, और औ द्वित्व को भी कह रहा है, पुंस्तु को कह रहा है, तो इसलिए स्त्री नहीं है और द्वित्व को भी कह रहा है, दो को फिर भी हमें लेना पड़ेगा, तो इसलिए अपरा स्वद्वितीय है पुमान, इसलिए जो दूसरा लिया जाएगा वो पुरुष ही लिया जाएगा, तो पुरुष पुरुष का ग्रहण होगा। और इस प्रकार से एवं इतरो अपि इतरेण स्वद्वितीय, इतरो अपि इतरेण इति द्वैव पुमांसौ उपादीयते, तो एक दूसरे पुरुष की अपेक्षा से पहला पुरुष दूसरे की दृष्टि से स्वद्वितीय है और दूसरा पहले की दृष्टि से स्वद्वितीय है, इसलिए इतरेतर होते हुए यहां पर इसको पुमांसौ ये किया गया। तो ये जो इतरेतर योग में एक शेष कर रहे हैं, यहां पर इतरेतर योग में एक शेष कर रहे हैं, तस्मात यह द्वौ पुमांसौ आधाने विधीयते इत्युच्यते, इसलिए यहां पर दो पुरुष आधान में विहित किए जा रहे हैं, दो को मिलकर के आधान करना चाहिए। इस पर सिद्धांती अब कहता है कि ननु स्त्री पुंसयोर वाचकम औकारांतम द्विवचनम स्मरंती, ये औकारांत जो द्विवचन है वो स्त्री और पुरुष का वाचक है ऐसा स्मरंती, स्मरण कहते हैं, यानी पाणिनि कहता है स्त्री पुरुष का भी वाचक होता है ये औकार। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहे हैं नैषा स्मृतिरस्ति थी ब्रूमा, बोली ये स्मृति ही नहीं है,
अर्थात पाणिनि ऐसा कहता ही नहीं है। ऐसी कौन सी स्मृति आप बताओ कि जहां स्त्री पुरुष दोनों को कहा जा रहा हो, औकार स्त्री पुरुष दोनों को कहता है, इसकी स्मृति बताओ। बोले कोई स्मृति ही नहीं है। सिद्धांति कहता नहीं इसकी स्मृति है। तो सिद्धांति फिर कहता है आह भगवतः पाणिनेर वचनात् स्मृतिम अनुमास्यामहे। पर स्मृति वचन सीधे सीधे तो नहीं है, लेकिन पाणिनि के वचन से हम स्मृति का अनुमान कर लेंगे, एक वचन निकाल लेंगे, एक वाक्य बना लेंगे। किस वचन से? बोले पुमान स्त्रिया इति उच्यते। पुमान स्त्री के साथ में शेष रह जाता है, पुमवाची शब्द स्त्रीवाची शब्द के साथ में शेष रह जाता है। पुमान स्त्रिया ये जो वचन है इससे हम ये स्मृति निकाल लेंगे, अनुमान कर लेंगे कि जो औ है वो स्त्री और पुरुष दोनों का अनुमान, दोनों का वाचक होता है। अच्छा, पाणिनि ने सीधे सीधे तो कहीं नहीं कहा ना कि औ स्त्री और पुरुष दोनों का भी वाचक होता है। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि औ तो पुरुषों का वाचक होता है, सीधे सीधे अगर देखे तो। पर ठीक है, परिशेष से यही बसता है, दो पुरुषों का वाचक निकाल लेते हैं। लेकिन औ स्त्री और पुरुष दोनों का वाचक है इसके लिए तो कोई बात कहीं लिखी नहीं है। लेकिन वचन क्या है? पुमान स्त्रिया। और पुमान स्त्रिया में कुकुटश्च कुकुटी चाहिए थी कुकुटौ, ये जब हम बना लेते हैं, अब इससे ये जो औ आया है ये पुरुष और स्त्री दोनों को कह रहा है, द्वित्व को तो कह ही रहा है, दो को तो कह ही रहा है। और वो दो कौन कौन है? तो एक पुरुष है और एक स्त्री है। तो इससे पता लगा कि औ स्त्री और पुरुष दोनों को कहता है। अब ये जो हमने वाक्य निकाला है ये पाणिनि का तो वचन नहीं है, लेकिन हम उसका अनुमान कर रहे हैं कि हाँ पाणिनि का ये तात्पर्य रहा होगा, हमने एक वचन कल्पित किया है। जैसे सिद्धांत कहता है औ इसका वाचक हो सकता है, ले सकते हैं हम। तो पुमान स्त्री इति उच्यते। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि न पाणिनेर वचनम, पाणिनि का जो ये वचन है ना पुमान स्त्रिया, ये इसको नहीं निकालता, इस अर्थ को नहीं निकालता जो अर्थ आप ले रहे हो। वचनम में म लगा लेना। इसके बाद में जो कुक्कुटौ लिखा है, इसमें कुक्कुटौ में प्रारंभ में तो विपरीत अल्प विराम ठीक है, अंत में जो लिखा है कुक्कुटौ ऊ के बाद में, इसको तो काट लीजिए, इसको जाके अंत में जोड़ना है। कुक्कुटौ इति औकार है स्त्री पुंसोर वाचक वाचक, यहां पर विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। इति बोले जो पाणिनि का वचन है पुमान स्त्रिया, ये इस बात का नहीं, को नहीं कह रहा है कि कुकुटौ में जो औकार है वो स्त्री और पुरुष का वाचक है। पुमान स्त्रिया ये थोड़ा कह रहा है कि औ जो है वो स्त्री पुरुष दोनों का वाचक है। सिद्धांति ने क्या कहा था? स्त्री पुमान स्त्रिया से हम ये निकालेंगे स्मृति वचन कि औ स्त्री पुरुष दोनों का वाचक है। ये कह रहा है कि पुमान स्त्रिया तो ये बात नहीं कह रहा है, तो पुमान स्त्री के साथ शेष रहता है ये बात कह रहा है, औ दोनों का वाचक है ये तो कह नहीं रहा है। तो इसलिए विपरीत अल्प विराम में आएगा कुकुटौ इति औकार है स्त्री पुंसोर वाचक न पाणिनेर वचनम, पाणिनि का वचन ये नहीं है। तो सिद्धांति कहता है कथम तरही, बोले फिर ये अर्थ निकलता कैसे आपने, ये किसको कह रहा है पुमान स्त्रिया? तो पूर्व पक्षी कह रहा है यत्र स्त्री पुंसयो हो सह वचनम, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ कहना हो वहां, तत्र सद्वितीयो वा पुमान इति कृत्वा, ये जो पुरुष है ये सद्वितीय है अर्थात स्त्री के साथ में है। हम यहां वही पुरुष और स्त्री दोनों का लेकर के चलेंगे, अकेले का नहीं। तो तत्र सद्वितीयो वा पुमान, जो पुरुष है वो स्त्री के सहित है इति कृत्वा आकारांतस्य औकारः प्राप्नोति, आकारांत की जगह पे यानी अकारांत की जगह पे इति कृत्वा अकारांतस्य औकारांत औकार क्या लिखा है औकारः प्राप्नोति, हाँ अकारांत की जगह पे औकार प्राप्त हो रहा है। देखो जब ये कहा, इसको वसान से ले लीजिए, वसानश्च वसाना च इति, अलग अलग शब्द तो ये हुआ। अपमान स्त्रिया कह दिया, पुमान शेष बचता है स्त्री की और दो हो तो पुमान शेष बचता है, तो पुमान शेष कौन सा बचेगा? वसाना यही बचेगा केवल। तो अब ये जो अकारांत है ये अकारांत की जगह पे पाणिनि कह रहे हैं कि यहां पर औकारांत होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि औकार स्त्री पुरुष दोनों को कहेगा, वो केवल ये कह रहा है कि जो अकारांत है ये औकारांत होना चाहिए जब ऐसा प्रयोग करो तो। फिर से देखिए यत्र स्त्री पुंसयो सह वचनम तत्र सद्वितीयो वा पुमान इति कृत्वा अकारांतस्य औकारः प्राप्नोति, इतना। हम पूर्ण विराम के बाद अल्प विराम ले, पूर्ण विराम की जगह पर अल्प विराम ले लीजिए प्राप्नोति। और दूसरा कह रहे हैं
स्वद्वितीय व स्त्री इति कृत्वा एकारः, और यदि दूसरे के साथ में स्त्री होगी, दूसरे के साथ में स्त्री होगी दूसरे के साथ में स्त्री होगी यानी पुरुष साथ में होगा, तो इति कृत्वा एकार, वहां पर एकार प्राप्त होगा। अभी अभी और आगे आगे बताएंगे। दो चीजें हो सकती हैं, देखो, कुक्कुटश्च कुक्कुटीच, तो वसानश्च वसानाच, कुछ भी ले लीजिए। आकारांत ले रहे हैं तो हम वसाना ले लेते हैं। जिस समय में आप पाणिनि के सूत्र को छोड़ करके युक्ति पे देखिए कि जब पुरुष को कहना हो लेकिन वो स्त्री के साथ में है ये कहना हो, तो वहां पर पुरुष के अनुसार क्या आना चाहिए? औकार आना चाहिए, ठीक है, द्विवचन हो जाना चाहिए। और जब स्त्री को कहना और वो पुरुष के साथ में आई हो तो स्त्री के अनुसार वहां पर आना चाहिए वसाने या कुकुटे, कुकुट्यौ, ये आना चाहिए। युक्त परवलिंगम देख लीजिए कि बाद वाला जो है या तो प्रधानता है, हाँ ठीक है, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो यहां पर अगर स्त्री की प्रधानता है, स्त्री स्वद्वितीय वाला लेंगे तो यहां पर बसाने की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे में, ऐसे में पुम शब्दस्तत्र साधुर न स्त्री शब्द इति पाणिनेर वचनम। अब ऐसी स्थिति में युक्ति से तो दोनों की प्राप्ति हो रही है, एक वहां और एक यहां, तो ये जो पाणिनि वचन है यानी पुमान स्त्री, ये क्या कह रहा है? नियमन कर रहा है उसमें कि यहां पर जो पुमवाची शब्द है यानी औ जो औकारांत है ये यहां पर साधु है। इति पाणिनेर वचनम, पुमान शिष्यते इति च ब्रूते, पुमान शेष रहता है ये कहा जा रहा है। ये सूत्र ना हो पुमान स्त्रिया तो क्या स्थिति प्राप्त होनी चाहिए थी युक्ति से? तो जहां दोनों पुरुष हो कोई आपत्ति नहीं है, दोनों स्त्री हो कोई आपत्ति नहीं है, या एक पुरुष और एक स्त्री हो, तो उस स्थिति में दो बातें बनती हैं, एक पुरुष को कहना है साथ में स्त्री है उसके, एक बार स्त्री को कहना है साथ में पुरुष है। तो जहां पुरुष को कहा जा रहा है स्त्री साथ में है तो वहां पर पुल्लिंग का औ आना चाहिए, और जहां स्त्री को कहना हो साथ में पुरुष है तो वहां स्त्रीलिंग का ए आना चाहिए, ये युक्ति कह रही है। पर यह ठीक नहीं है, ऐसे में पुमान स्त्रिया आकर के कहता है यहां पर पुम ही शेष रहता है, जब स्त्री को कहना हो और पुरुष साथ में हो तब भी औ आएगा, जब पुरुष को कहना और स्त्री साथ में हो तब तो औ प्राप्त है ही, युक्ति से प्राप्त है ही। तो यहां ये सूत्र का तात्पर्य है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। हम सामान्यतः क्या देखते हैं, पुमान स्त्रिया, पुमान शब्द शेष बच गया, स्त्री शब्द हट गया, और बस वहां पर पुल्लिंग का जो है पुमान शेष बचा है तो पुल्लिंग का औ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों को कहने वाला होगा, तो ये बोले दोनों को कहने वाला नहीं होगा, तो इसलिए कह रहे हैं पुम शब्दस्तत्र साधु न स्त्री शब्द इति पाणिनेर वचनम, पुमान शिष्यते इति च ब्रूते, तेन सुतराम गम्यते, इससे ये स्पष्ट होता है कि पुंसो और वाच का औकार इति, ये जो औकार है ये तो पुंस्तु का ही वाचक है, पुंस ही शेष बसता है, स्त्री तो हट ही जाती है वहां पर, इसलिए औ तो पुंस्तु का ही वाचक है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तस्मात द्वयोः पुंसोर अधिकार इति, इसलिए यहां पर दो पुरुषों का अधिकार है, यानी वसानौ में दो पुरुषों का अधिकार है। पूर्व पक्षी ने अपने ढंग से इसको देखा है। आगे देखिए, अब इस पर सिद्धांती कह रहा है कि चलो इस ढंग से वो वहां पर अटक रहा है, दूसरे ढंग से देखते हैं इसको। वाक्य हमारा क्या था, विषय वाक्य, क्षौमे वसानौ अग्निम आदधीयाताम, क्षौमे वसानौ अग्निम आदधीयाताम। तो सिद्धांत क्या क्या कहता है, ननु क्षौम विधान परम एतत वाक्यम, इस वाक्य में क्षौम का विधान किया जा रहा है, कपड़े पहने हुए आधान करें क्षौम वस्त्र पहने हुए आधान करें, एक क्षौम का विधान किया जा रहा है इस वाक्य में, बाकी अनुवाद है।
तो ननु क्षौम विधान परम एतद वाक्यम, और क्षौम संबंधस्य अर्थवत्वात्, क्योंकि इसके साथ में क्षौम का जब संबंध जोड़ते हैं तो यह सार्थक होता है। इतर्था क्षौम वचनम अनर्थकम स्यात्। यदि क्षौम को आप इसके साथ नहीं जोड़ोगे क्रिया के, क्षौमे आदधि याताम, हम सामान्यतः कह देते हैं क्षौमे वसानौ अग्निम आदधि याताम। आदधि याताम किसको कह रहे हैं? नहीं, अग्निम आदधि याताम, आदधि याताम में जो द्विवचन है, पीछे भी हमने ये चर्चा देखी थी, आदधि याताम का जो द्विवचन है वो किसके कर्ता को, तो कर्ता कौन है यहां पर, क्षौमे करता है या वसानव करता है? वसानव करता है, तो वहां पर उससे जोड़ते हुए उससे संबंध जुड़ेगा। वैसे तो ये क्या कह रहे हैं, इतरता क्षौम वचनम अनर्थकम स्यात्। अगर आप क्षौम के साथ इसका संबंध नहीं जोड़ोगे, इसकी विधि नहीं मानोगे, तो क्षौम का वचन यहां पर व्यर्थ हो जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते वसानौ आदधि याताम इति अस्ति संबंध। बोले आदधि याताम का संबंध गलत क्यों होगा, वसानौ आदधि याताम, वसानौ के साथ में संबंध जुड़ रहा है ना, क्षौमे के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है आपको। तो वसानौ आदधि याताम इति अस्ति संबंध, न क्षौमे आदधि याताम इति, क्षौमे आदधि याताम ये संबंध नहीं है यहां पर, हम भी यही समझते हैं। पूर्व पक्ष देखो, पूर्व पक्ष भी उसी बात को कह रहा है, लेकिन सिद्धांतिक किस दृष्टि से कह रहा है वो देखो एकदम अलग आएगा। आदधि याताम हम सीधा कहेंगे वसानौ आदधि याताम, इन दोनों का संबंध है। वसानौ में अगर वचन बदलेगा तो आदधि याताम में भी वचन बदल जाएगा, इनका संबंध है, तभी तो समानाधिकरणता है और उनका संबंध है, तभी तो वचन बदल जाता है, एक दूसरे से संबंध है। और क्षौमे में वचन बदल दो, आदधि याताम में वचन नहीं बदला जाएगा, प्रत्यय नहीं बदला जाएगा। इसलिए पूर्व पक्ष कह रहे संबंध तो इन दोनों का है, वसानौ आदधि याताम का, न कि क्षौमे आदधि याताम। तस्मात, इसलिए सन्निकृष्टम अपि न तत्सम्बद्धम आधानेन, तो इसलिए सन्निकृष्ट होता हुआ भी, सन्निकृष्ट होता हुआ भी न तत्सम्बद्धम आधानेन, वो आधान से संबद्ध नहीं है। अब इसमें जो ये सन्निकृष्ट शब्द है, अब इसमें देखिए नीचे हिंदी में क्या लिखा है, इसलिए समीप रहता हुआ भी क्षौम आधान के साथ संबद्ध नहीं है। क्षौम से ही जुड़ेगा, लेकिन क्षौम आधान के साथ नजदीक कहां पर है, क्षौमे वसानौ अग्निम आदधि याताम, आदधि याताम के पास में निकट कौन था है, क्षौमे है या वसानौ है, वसानौ निकट है, अग्निम का एक व्यवधान है, बाकी तो अपेक्षा से तो वो निकट है। तो इसने कहा अत्रोच्यते वसानौ आदधि याताम इति अस्ति संबंध, न क्षौमे आदधि याताम इति, तस्मात् सन्निकृष्टम अपि न तत्सम्बद्धम आधानेन, इसलिए निकट होते हुए भी, निकट होते हुए भी न तत्संबंधम, उसका आधान से संबद्ध संबंध नहीं है। अब ये जो है ना, ये विपरीत हमारे को प्रतीत होता है। सन्निकृष्ट का मतलब है कि अगर क्षौमे आदधि याताम ऐसा कर दें अभ्युपगम से, जैसा सिद्धांति कह रहा था कि क्षौम का आदधि याताम से है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, वास्तव में सन्निकृष्ट नहीं है। तस्मात सन्निकृष्टम अपि, यदि आप उसको सन्निकृष्ट कर भी दो तो भी, ऐसे अर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि वचन में तो क्षौमे आदधि याताम से दूर है, इसलिए वचन ही नहीं घटेगा। यदि आप क्षौमे को आदधि याताम के पास में भी जोड़ रहे हैं, वसानौ अग्निम क्षौमे आदधि याताम, आप क्षौमे को आदधि याताम के साथ भी जोड़ दोगे तो भी संबंध नहीं बनेगा। तो तस्मात सन्निकृष्टम अपि न संबद्धम आधानेन, उसका आधान से संबंध ही नहीं होगा। इस पर सिद्धांति कह रहा है आह वसान शब्देन सह संबद्ध्यमानम अर्थवत् भविष्यति, बोले ये जो क्षौम है ये वसान शब्द के साथ में जुड़ता हुआ अर्थ वाला हो जाएगा, यानी विधि वाला हो जाएगा। अब देखिए आदधि याताम, इसके अंदर विध्यंश है, यानी प्रत्यय जो है वो विधि को कह रहा है। अब पहला तो श्रुति से क्या होता है कि आदधि याताम में जो धा धातु है उसकी विधि करने वाला होना चाहिए प्रत्यय, ये तो होगा श्रुति से। आदधि याताम में जो विधि प्रत्यय लिंग तो आया है, लिंग है, वो किसकी विधि करेगा, भाई उसी क्रियापद में जो धातु है प्रकृति है उसी की विधि करना चाहिए उसको, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है, ये तो श्रुति से कह रही है। लेकिन उसकी विधि ना करके
ये वसानों की विधि कर रहा है या क्षोमे की विधि कर रहा है। सिद्धांती कह रहा है कि क्षोमे की विधि कर रहा है, तो बोले पढ़ा तो वहां गया और विधि क्षोमे की कर रहा है। और पूर्व पक्षी कह वसानों में पुंस्तुकी कर रहा है, दो पुरुष होने चाहिए तो भी दूरी तो है यहां पर। तो देखिए इसमें कि वसान शब्देन से संबद्ध मानम अर्थवत भविष्यति, ये जो क्षोम शब्द है ये वसान शब्द के साथ में जुड़ता हुआ अर्थवत हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, यानी विधि बन जाएगा। क्योंकि सिद्धांत ये सिद्ध करना चाह रहा है कि यह क्षोमे की विधि है, क्षोमे की विधि है इस वाक्य के अंदर, उससे संबद्ध होकर के जुड़ जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है वसान सन्निकृष्टे भी क्षोमे न विधीयते, बोले वसान के सन्निकृष्ट होते हुए भी, पास में होते हुए भी क्षोम का तो विधान नहीं किया जा सकता। निकट है ठीक है, क्षोमे वसानौ निकट है, लेकिन इससे क्षोम का विधान तो नहीं किया जा सकता। क्यों? विधायकस्य शब्दस्य अभावात्, क्योंकि क्षोम के विधान करने वाले शब्द का तो अभाव है। जो आदधि याताम में जो विधि है वो क्षोम को कह नहीं रही है, वो तो दूसरी चीज को कह रही है, दो पुरुष को कह रही है। तो क्षोमे का भी विधान करना हो तो उसके लिए कोई विधायक और होना चाहिए, उसका तो अभाव है यहाँ पर। विधायक तो एक ही है, दो दो की विधि कैसे होगी? तो वसान सन्निकृष्टे भी क्षोमे न विधीयते विधायकस्य शब्दस्य अभावात्, न ही वसान शब्दो विधायको न क्षोम शब्दो न अनयो समुदाय, क्योंकि ये जो वसान शब्द है ये अपने आप में विधायक नहीं है। कारक विभक्ति विधायक नहीं होती है, तिंग विभक्ति ही विधायिका होती है। तो वसान शब्द विधायक नहीं है और न क्षोम शब्द विधायक है, और इन दोनों का समुदाय मिलकर के भी विधायक नहीं है, ये तो विधायक तत्व तो यहां पर है ही नहीं। तो सिद्धांती पूछता है कस्तर ही विधातुम शक्नोति, फिर विधान कौन कर सकता है? पूर्व पक्षी कहता है आदधि याताम इत्यत्र या लिंग, तो यहां पर आदधि याताम में जो लिंग है, लिंग विभक्ति है, वो यहां पर विधान कर सकती है। इस पर सिद्धांती कह रहा है सा खलु विधास्यति, बोले ठीक है वो विधान कर देगी, किसका? क्षोम का। विधायक विभक्ति वो है तो वो क्षोम का विधान कर देगी। ऐसे पूर्व पक्षी कहता है उच्चते सा स्व शब्दगतम आधानम शक्नोति विधातुम श्रवणात्, आधी आदधि याता में जो लिंग विभक्ति है, लिंगत्व है, वो अपने शब्द में स्थित आधान को तो विधान कर सकती है श्रवणात्, श्रुति से, उसी शब्द में, एक ही समान शब्द में श्रवण हो रहा है प्रकृति और प्रत्यय का, उसका तो विधान कर सकती है। ये लिंग विभक्ति आधान का विधान कर सकती है और किसी का नहीं, श्रुति से। और विहितत्वाद आधानस्य अनर्थक्य वसानौ इति शक्य शक्नोति वाक्येन विधातुम, पर चूंकि विधान का विहितत्वाद आधानस्य, क्योंकि आधान का विधान पहले कर चुके हैं वसंते वसंते अग्निम आदधीता ऐसे, तो यदि आधान का विधान चूंकि हो चुका है इसलिए आदधियाता में लिंगत्व आधान का विधान नहीं करेगा, हो चुका है पहले, और ऐसा होने पर यह वसानों का विधान कर देगा। पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से ले जा रहा है वहां पर। तो विहितत्वात यानी उक्तत्वात कहा गया हो जाने से आधान से आधान की विधि कर चुके इसलिए अनर्थक, क्योंकि अगर आधान का विधान नहीं माना तो जो आदधि याता में लिंग आया है वो अनर्थक हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो विधि करनी पड़ेगी। तो अनर्थक के होने पर वसाना हुई थी शक्नोति वाक्य ने विधातुम, तो वसान का विधान कर सकता है लेकिन श्रुति से नहीं करेगा, ये वाक्य से करेगा, समीपस्थ पद में की विधि करेगा ये वाक्य से। भवती ही वसानय और आधान संबंध, और जो वसान का है उसका आधान से संबंध हो भी जाता है। तत्र न अत्यंताय स्वार्थ परित्यक्तो भवती, और ऐसा करने पर स्व जो अर्थ है वो पूरी तरह से त्यक्त नहीं होता है। कैसे? देखो एक तो आदधि याता में लिंग है, अगर ये आधान का ही विधान कर रहा हो तब तो स्वार्थ का त्याग बिल्कुल नहीं हुआ, उसी को स्वार्थ मतलब वो शब्द जो कह रहा है उसकी संगति लग गई, आधान का विधान कर रहा है। लेकिन आधान को छोड़ करके जब वसानों का विधान करेगा ये लिंग, तो बोले तब भी स्वार्थ अपना अर्थ यानी आधान पूरी तरह नहीं छूटेगा, क्योंकि वसानऊ जो हैं जो कपड़े पहने हुए हैं वो क्या करेंगे? आधान करेंगे, तो आधान का विधान तो फिर भी हो गया। कपड़े पहने हुए आधान करेंगे, दो व्यक्ति आधान करेंगे, तो आधान का अत्यंत छोड़ना नहीं हुआ। बोले तत्र न अत्यंताय स्वार्थ परित्यक्तो भवति, स्वार्थ जो अपना अर्थ है आधान वो पूरा थोड़ा छोड़ा गया, फिर भी वहां पर जुड़ा हुआ है, यानी
कुछ तो जुड़ा हुआ है, पूरा नहीं जुड़ सकता तो क्या करें, कुछ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो विशेषता है। न च तत्र न अत्यंताय स्वार्थ परित्यक्तो भवति, क्षौम अवसान संबंधे तो विधातव्य। लेकिन अगर आप क्षौम और वसान के संबंध का विधान करने लगोगे, क्षौम और वसान का विधान कैसे होगा, संबंध का विधान कैसे होगा, कि जिस पक्ष में सिद्धांती ये मान रहा है कि क्षौम का विधान किया गया, कोई क्षौम का विधान किस लिए किया गया, पहनने के लिए, कपड़े पहनेंगे तो कपड़े पहने तो कौन से कपड़े पहने, क्षौम के वस्त्र पहने, यही तो कहा जाएगा। तो क्षौम का और वसान का संबंध जोड़ा जा रहा है, भाई वसान वसान अऊ में कोई भी वस्त्र प्राप्त था अनियम से, अब जब क्षौम क्षौमे वसानऊ कहा गया तो क्षौम का वसानऊ से ही तो संबंध जोड़ा जा रहा है, क्षौम का आधान से संबंध थोड़ा ना जोड़ा जा रहा है, वसानऊ से संबंध जोड़ा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं क्षौम अवसान संबंधे तो विधातव्य आदधि याताम इति आधानम उत्सिज्य विदधानो अत्यंताय श्रुतिम जह्यात। अब ऐसे में क्षौम को अगर वसान से करेंगे तो क्या जुड़ेगा इसमें, आधान विदधान वस्त्र को, क्षौम के वस्त्र को वसान है मतलब पहने हुए, तो क्षौम का पहने हुए क्रिया के साथ तो संबंध जुड़ रहा है लेकिन आधान के साथ में कोई भी संबंध नहीं जुड़ रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है वसानों का की विधि हो तब तो आधान के साथ में संबंध जुड़ रहा है, आधान क्रिया के साथ में, लेकिन यदि वसानों का नहीं, क्षौम का वसानों से संबंध जुड़ता है तो क्षौम वस्त्र पहनने वाला, पहनना आएगा ना कि आधान के साथ में जुड़ेगा, तो आधान जो कि श्रुत्यर्थ था आदधि यातम उसका पूरा तरह से त्याग हो रहा है इसमें आपके पक्ष में, श्रुति की पूरी हानि हो रही है इसलिए आपका पक्ष दुर्बल है। तो कह रहे हैं आदधि यातम इति आधानम उत्सिज्य विदधानो अत्यंताय श्रुतिम जो यात, अत्यंत श्रुति को छोड़ देवे। ये जो अत्यंताय आदि है ये क्रिया के योग में चतुर्थी है, यहां और भी प्रयोग आएंगे, अत्यंताय श्रुतिम जो, अत्यंताय मतलब अत्यंत के लिए श्रुति को छोड़ दे, ये क्या अर्थ निकलेगा हिंदी में यूं, तो क्रिया के योग में जो चतुर्थी मानी जाती है उसको प्रयोग है ये अत्यंताय श्रुतिम जय्यात। आगे आधान सन्निकृष्टे चलेंगे विधातव्य, और आधान के निकट सन्निकृष्ट लिंग के यानी पुल्लिंग के विधान करने में तो श्रुतिर विप्रकृष्टम च क्षौम अवसान संबंधम विधातुम उत्साहते। इसके विधान करने पर श्रुति से विप्रकृष्ट जो क्षौम और वसान के संबंध को उसको न विधातुम उत्साहते, उसका विधान नहीं कर सकती है। जब आधान जो सन्निकृष्ट है उसमें लिंग के विधान को मान लेंगे, पुंस्तु के विधान को मान लेंगे, तो उसमें श्रुति से विप्रकृष्ट जो क्षौम और वसान का संबंध है जो कि सिद्धांति कह रहा था, उसके विधान करने में उत्साहित नहीं होगा। क्यों? अर्थ विप्रकर्षात, क्योंकि उसमें अर्थ की दूरी है। आधान करे या साक्षात आधान करने की विधि है, कपड़े पहने हुए आधान करे, अब यहां आधान से जुड़ा हुआ है लेकिन कपड़े पहने हुए, कपड़े पहने हुए ये इसमें जो पुंस्तु है, पुंस्तु विशिष्ट आधान दो का, ये थोड़ी दूरी हो गई, विप्रकर्ष हो गया। और अगर कहें कि क्षौम वस्त्र पहने हुए आधान करे, तो ये जो क्षौम और वसान का संबंध है और आधान से संबंध जोड़ो भी इसका, तो ये और विप्रकृष्ट हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, तो इसमें गौरव होगा। तो बोले अर्थ विप्रकर्षात, अर्थ का विप्रकर्ष होने से। आगे अस्तिश्च उत्सृज्य श्रुतिम अपि च उत्सृज्य श्रुतिम क्षौम वसान संबंधे विधीये माने क्षौमम वसानस्य अंगम स्यात् न आधानस्य। दूसरे ढंग से कह रहा है पूर्व पक्षी ही, बोले अपि च उत्सृज्य श्रुतिम, अल्प विराम ले लेना, श्रुतिम उत्सृज्य, अगर आप श्रुति को छोड़ करके और क्षौम अवसान के संबंध के विधीयमान होने पर आप जैसा कह रहे हो, विधीयमान है अल्प विराम, ऐसे में क्षौमम वसानस्य अंगम स्यात्, जो क्षौम है वो वसान का अंग बनेगा यानी विशेषण बनेगा, क्षौमे वसानो, क्षौम किसका विशेषण बनेगा, वसान का बनेगा, न आधानस्य, आधान का विशेषण नहीं बन सकता क्षौम। यदि क्षौम आधान का विशेषण बने तो भी साथ में आ सकता था, क्योंकि आधान के साथ में विधि लिंग है, वो आधान के साथ जुड़ी हुई है, और क्षौम यदि सीधे आधान से जुड़ जाता तब तो फिर भी संबंध बन सकता था। जैसे वसानऊ है ये आधान के साथ में जुड़ रहा है इसलिए उससे संबंध होता है, लेकिन क्षौम आधान के साथ में जुड़ता नहीं है। न आधानस्य तत्र क्षौमाभावेपि न आधानम विगुणमिति, और ऐसे में चूंकि सीधा संबंध नहीं जुड़ रहा है तो जो क्षौम के बिना भी जो आधान है उसमें विगुणता नहीं कही जाएगी, क्योंकि आधान केवल वसानों से जुड़ा हुआ है,
आधान केवल वसानों से जुड़ा हुआ है, वसानों में अगर न्यूनता आएगी तो आधान में न्यूनता आएगी, लेकिन क्षोम तो आधान से जुड़ा हुआ ही नहीं है, इसलिए अगर क्षोम नहीं भी हो, अक्षोम हो चाहे अक्षोम हो, उससे यहां पर कोई विगुणता नहीं आएगी। तो तत्र क्षोमा भावे भी न आधानम विगुणम इति, क्षोमा भावे अपनी आधानम स्यात्। फिर तो यह अर्थ होने लगेगा कि क्षोम के अभाव में भी आधान हो सकता है। इस पर सिद्धांत कहता है आह वसान गुणतायाम तरही को अर्थो विवक्षते। बोले वसान की गुणता, पूर्व पक्षी ने यह कहा था ना कि जो क्षोम है वो वसान का अंग है, गुण है, विशेषण है, गुण है। तो बोले वसान से गुणतायाम, किसकी? क्षोमस्य। क्षोमस्य का अध्याय करेंगे। क्षोम की वसान की गुणवत्ता होने पर, गुणता होने पर, तो यहां पर कौन सा अर्थ विवक्षित होगा? क्योंकि आप उसके साथ जोड़ रहे हो, क्षोम शब्द पढ़ा तो है ही, आप उसको छोड़ तो सकते नहीं हो, और इसको वसाना का गुण मान भी लिया आपने, तो बोले कौन सा अर्थ निकल करके आ रहा है, थोड़ा बताना अर्थ क्या निकाल रहे हो आप वहां पर वसाना से जोड़ते हुए? कुछ तो अर्थ तो निकालोगे ही, छोड़ तो सकते नहीं हो, शब्द को तो छोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा पढ़ना, तो आप अर्थ क्या निकालोगे उससे? तो बोले वसान गुणतायाम तरी को अर्थो विवक्षते। इस पर पूर्व पक्षी कर उच्चते न कश्चित, बोले कोई अर्थ नहीं निकाल, क्योंकि कोई भी अर्थ लेगा तो फिर वहीं पर ही पहुंच जाना पड़ेगा उसको, पूर्व पक्षी का पक्ष खंडित होगा, इसलिए मना कर दिया न कश्चित। अतः एव अस्य पक्षस्य परित्याग, इसलिए इस पक्ष का ही हम परित्याग कर रहे हैं। इसमें सिद्धांति कह रहे हैं क्षोम वसान श्रवणम इदानीम किमर्थम इति। बोले फिर ये क्षोम और वसान, ये जो कथन किया गया है, ये कथन किया क्यों गया है यहां पर? सिद्धांति पूर्व पक्षी कहता है उच्चते न शक्यते उभयम विधातुम क्षोमम लिंगम च। बोले दो का विधान नहीं कर सकते, क्षोम का भी विधान करें और लिंग का भी विधान करें, क्योंकि पूर्व पक्षी लिंग के विधान को तो छोड़ नहीं सकता है, उसको तो बताना ही है कि दो पुंस तो होने चाहिए, और क्षोम को बोले दो कर नहीं सकते, मजबूरी बता रहा है कि देखो क्षोम तो नहीं हम कर सकते, दो दो चीजें नहीं हो सकती। वित्त ही तथा वाक्यम, तो वाक्य हो जाएगा, जो कई बार होता है ना कोई जैसे नियमों का भंग करते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए ऐसा अच्छा सा नियम बोलेंगे, नहीं जी वो होगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ये बड़े जैसे कि नियम के बड़े पालक हों, ऐसे कई बार प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक उदाहरण दो सामान्य रूप से कि अब योगाभ्यास करना चाहिए, वो सबसे प्रमुख है, एक नियम है। अब किसी को कहा कि जी थोड़ा आप ये कार्य कर दो, नहीं जी हमारी इससे योगाभ्यास में बाधा होगी। अब इस नियम को ला करके कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया, अब वैसे भले ही ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन जहां अनुकूलता होगी वहां उस सिद्धांत का, नियम का उपयोग वो करके अपने को बचाने के लिए करेगा। तो यूं भले ही चिंता नहीं है इसके सिद्धांतों की इसको, लेकिन यहां अपने को बचाने के लिए तो ये प्रयोग करेगा नहीं। बोले कि ऐसा करने पर तो विद्येत ही तथा वाक्यम तस्मात क्षोम अक्षोमयो क्षोम शब्दो अनुवाद, इसलिए यहां जो ये क्षोम शब्द है ये विहित नहीं कर रहा है, ये क्षोम और अक्षोम दोनों का अनुवाद है, आप चाहे क्षोम पहनो चाहे क्षोम ना पहनो, ये शब्द तो व्यर्थ नहीं होगा। सिद्धांत कह रहा था नहीं क्षोम वस्त्र ही आना चाहिए, तभी तो विधि है, अगर क्षोम शब्द नहीं होता तब भी तो क्षोम और अक्षोम दोनों की प्राप्ति थी, भाई बसाना हुआ है कोई तो कपड़ा पहनेगा ही, सभी कपड़े प्राप्त हैं, तो ऐसे में क्षोम शब्द आकर के विधि कर रहा है, ये तो सिद्धांति कह रहा है। पूर्व पक्षी को ने क्या कह दिया, नहीं ये तो अनुवाद कर रहा है, ये क्षोम शब्द किसका अनुवाद कर रहा है, वो जो पहले से प्राप्त था उसका अनुवाद कर रहा है, पहले से क्या प्राप्त था, क्षोम और अक्षोम दोनों की प्राप्ति थी, तो बोले ये जो क्षोम शब्द है ये दोनों का अनुवाद है, अक्षोम का भी कहने वाला हो गया, ये ऐसा इसने प्रस्तुत कर दिया। तो तस्मात क्षोमा क्षोमयो क्षोम शब्दों अनुवाद अर्थ प्राप्ते च वसने। बोले जो वसनों की प्राप्ति है, अब कोई कहे कि वसानों में कपड़े पहन करके आधान करे, बोले कपड़े पहनने की विधि की जा रही है, ऐसा कोई कहे, बोले नहीं वो तो अर्थ प्राप्त है, अर्थ प्राप्त है चाहे वसने भी, कपड़े तो पहने हुए होगा ही, वो नग्न थोड़ा ना होगा, तो वो तो अर्थ था ही, न कहें तो भी कपड़े पहने हुए होगा, तो स्वभावतः ही कपड़ों की तो प्राप्ति है, इसलिए वसानौ पुमानसौ इत्यर्थ, इसलिए वसानौ कहते हुए पुमानसौ दो पुरुष की विधि यहां पर की जा रही है, इसलिए दो पुरुष ही लेने जाने चाहिए, उन्हीं का आधान करना, और वो दो होने चाहिए और पुरुष होने चाहिए, इसी की विधि है यहां पर। तो वसानौ पुमानसौ इत्यर्थ ते च प्रायेण विचेष्ट मानस्य मलिने क्षोम सदृशे भवता। अब ये जो कह रहे हैं कि
यहां पर आपने क्षोम शब्द का प्रयोग क्यों किया, उसकी सार्थकता बताने के लिए देखो क्या प्रयोग कर रहा है ये। बोले तेज है मतलब वो वस्त्र, वस्त्र वस्त्र जो है प्राय करके विशिष्ट मानस से जो तरह तरह के काम कर रहे हैं, विशेष क्रियाएं कर रहे हैं, मलिन है क्षोम सदृश भाव, तो वो मलिन हो जाते हैं और क्षोम वस्त्र जैसे दिखने लग जाते हैं। अब क्षोम का मतलब यहां पर क्षोम सदृश है, क्षोम के कपड़े थोड़े गंदे मटमैले से लगते हैं ना भाई, ऐसे उजले सफेद तो ना होते हैं, मटमैले से होते हैं ना, गंदे से होते हैं। बोले जो काम करते हैं उनके कपड़े मलिन मलिन से ऐसे थोड़े भूरे भूरे और पीले पीले ऐसे से हो जाते हैं, वो क्षोम वस्त्र जैसे हो जाते हैं, इसलिए यहां पर क्षोम वस्त्र पढ़ा गया। मलिन क्षोम सदृश भावता, दूसरे ढंग से कह रहा है, एक दूसरी और व्याख्या कर रहा है कि विचेष्ट मानस से च वसने शब्दवती भवता इति, और जो काम कर रहे होते हैं उनके कपड़े जो होते हैं ना वो आवाज करते हैं। काम करेंगे तो कपड़े में फटफट आएगी ना, ज्यादा खूब मेहनत करेंगे तो, जैसे कि कोई कपड़े पहन करके कठिन वस्त्र पहन करके धीरे धीरे चल रहा हो तो आवाज नहीं आती, लेकिन उसी को करके दौड़े या तेज चले तो फटफट आवाज आने लगेगी ना, कपड़ों की आवाज आने लगती है। कपड़े जो पहने हुए हैं यदि हम धीरे धीरे गति कर रहे हैं तो कपड़ों की आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर तेजी से कुछ कार्य कर रहे हो तो कपड़ों की भी आवाज आने लगेगी। तो ये जो इन्होंने किया ना, ये क्षोम शब्द टुक्षु शब्द से बना रहा है अब ये पूर्व पक्षी, क्षु जो है ना टुक्षु शब्द है, तो शब्द में तो क्षोम का मतलब है ऐसे कपड़े जिनसे ध्वनि निकलती है, और ये इसको विचेष्ट मान है, इसलिए इन सामान्य कपड़ों को जो कि अक्षोम थे, अतसी या तो रेशम के कपड़े नहीं थे तो भी इनको क्षोम क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए कहा एक तो ये तो क्षोम सदृश यानी मलिन जैसे दिख रहे हैं, अथवा आवाज करने वाले अर्थ में इसने अनवर्थता योगिक अर्थ एक अलग ले लिया, इसलिए यहां पर क्षोम शब्द पढ़ा गया है, इसलिए उसकी विधि करने की जरूरत नहीं है। तस्मात द्वयो पुंसो और अधिकार है, इसलिए वसानों में जो औकार है उसी की विधि की जा रही है। ठीक है, क्षोम वसानो अग्निमादि आतम, विधि किसकी की जा रही है यहां पर? अच्छा, अगर ये सीधा वाक्य आए पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं पता हो तो हम कहेंगे ना कि नहीं, तो हम कहेंगे आधान की विधि की जा रही है श्रुति से, आददी आतम यही तो कहेंगे, लेकिन चूंकि ये अनुवाद हो चुका है यानी पहले आ चुका है अब ये अनुवाद है, इसलिए आधान की विधि तो यहां हो नहीं सकती, पुनर्वचन नहीं होगा। अब ऐसे करके कहां कहां देखो कैसे पहुंचते हैं, अब यहां श्रुति से वाक्य को बलवान माना है ना, वैसे तो श्रुति बलवती होती है, अगर श्रुति बलवती है, श्रुति और वाक्य में कौन बलवान है, तो श्रुति बलवती है, तो बोले कि फिर तो आदधि आताम बस आधान की विधि कर लो, ये श्रुति श्रुत्यर्थ तो यही कहता है, पर चूंकि वो पहले कहा जा चुका है ऐसे में श्रुति इसको कहने के लिए नहीं आई है, ये तो व्यर्थ हो जाएगी। बलवती होते हुए अगर वो व्यर्थ हो रही है, क्योंकि आधान का विधान तो हो चुका है, पुनर्वचन होगा नहीं, ये व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ करना नहीं है, तो उसके लिए अब वाक्य पे जाते हैं हम, तो वाक्य से जो अर्थ निकला उसको यहां पर माना जाएगा, न कि श्रुति से अर्थ निकला हुआ, क्योंकि श्रुति से निकला हुआ अर्थ व्यर्थ होता है, निरर्थक है, इसलिए सार्थक तो करना ही है, तो वाक्य का अर्थ आएगा। तो ऐसे में श्रुति से वाक्य बलवान हो गया, वास्तव में बलवान नहीं है, लेकिन श्रुति अर्थ व्यर्थ हो रहा है इसलिए अब वो श्रुति अर्थ व्यर्थ हो रहा है, तो श्रुति अर्थ तो रहा ही नहीं, तो वाक्यार्थ तो लेना ही पड़ेगा, न फिर वाक्य पर गए, और वाक्य में भी कहां विधि मानी जाए उसकी ये सारी चर्चा है। आगे अब इसमें सिद्धांती उत्तर दे रहा है, 23वां सूत्र, गुणस्य तो विधानत्वात् पत्न्या द्वितीय शब्दः स्यात्, क्योंकि यहां पर गुण का विधान किया जा रहा है, इसलिए पत्नी के पत्न्या पत्नी के साथ में ये द्वितीय शब्द होवे, यानी वसानव जो है ये पत्नी के सहित होना चाहिए, दो पुरुष को कहने वाला नहीं है। तो शब्द पक्षम व्यावर्तयति, नहीं तदस्ति यदुक्तम, आपने जो कहा वो नहीं है, क्या कहा था पूर्व पक्ष ने, द्वौ पुरुषौ आदधि यातामिति, ये अर्थ नहीं है इसका, एका एव आदधिता, एक ही यहां पर आधान करें, कैसे, वसंते ब्राह्मणो अग्निम आदधिता इति, एक वचनम ही विवक्षितम, आदधिता यहां एक वचन ही कहा गया, और यहां आदधिता जो है यहां पर विधि की जा रही है, आधान की विधि है, तो यहां पर विवक्षित है, एक वचन ही विवक्षित होगा, यहां आप दो नहीं ला सकते। तस्मात एका एव आदधिता, पूर्व पक्षी कारण, ननु इदम वचनम दो उपमानसौ आदधि याताम इति, बोले ये भी तो वचन है, दो पुरुष आदधि याताम द्विवचन का। सिद्धांत कारण, नेत्याह गुणस्य तु विधानत्वात् क्षोम विधानम अस्मिन् वाक्ये न्याय्यम्, चूंकि यहां पर गुण का विधान किया जा रहा है, क्षोम एक गुण है,
आधान में सहायक है, और गुण का विधान होने से क्षोम विधानम अस्मिन वाक्य न्याय, क्षोम का विधान ही इस वाक्य में उचित है। तथा ही अपूर्वो अर्थो विहितो भवति, तब ही अपूर्व अर्थ को कहने वाला होता है। कोई भी वाक्य है उसमें अपूर्व अर्थ आना चाहिए, कोई नई बात तो कही जानी चाहिए, पीछे जो कहा गया उसकी अपेक्षा कुछ नई बात कही जानी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब यहां क्षोम का विधान किया जा रहा हो, नहीं तो अपूर्व अर्थ नहीं होगा। तो तथा ही अपूर्व अर्थो विहितो भवति, गम्यते ही विशेष नियम, और इसमें विशेष नियम की प्राप्ति हो रही है। विशेष नियम की कैसे, कि क्षोम अक्षोम दोनों की प्राप्ति थी, और यहां पर क्षोम इस रूप में विशेष नियम प्राप्त हो रहा है। इतर्था क्षोम वचनम अनुवाद मात्रम स्यात्। अगर आप यहां पर ये मलिन या तो ध्वनि वाला अर्थ लेओगे तो ये जो क्षोम वचन है ये केवल अनुवाद मात्र होगा, क्योंकि उसको कहने की जरूरत क्या है। जब कार्य करते हैं तो क्षोम जैसे मलिन हो ही जाते हैं, ठीक है, और काम करते हैं और क्षोम की तरह नहीं, उसमें उन कपड़ों से आवाज आती है तो वो भी अर्थतः ही प्राप्त है। उसको उसके लिए विधि कैसे करने की क्या जरूरत है, कि क्या मलिन कपड़े होंगे तो करे, या तो आवाज होती हो तो करे, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतर तक क्षोम वचनम अनुवाद मात्रम से वाद मात्रम च अनर्थकम, और जो केवल अनुवाद मात्र होता है वो अनर्थक होता है। अनुवाद तब सार्थक होता है जब साथ में कोई ना कोई नई बात भी कही जा रही हो, उद्दिष्ट करके कुछ विधि की जा रही हो, तब तो अनुवाद सार्थक है। अगर केवल अनुवाद ही अनुवाद है तो वो तो निरर्थक है। पक्षे च अनुवाद, और यहां पर एक पक्ष में इसको अनुवाद मानना पड़ेगा। न च एक पक्ष वचना एषः शब्दः, लेकिन ये शब्द जो है मेरी दृष्टि से तो यहां पर मैं क्षोम शब्द को ले रहा हूं, ये एक पक्ष का वचक नहीं है। गौणत्वे च साधारणम सादृश्यम, अगर आप इसको गौण अर्थ में लोगे तो सादृश्य साधारण होगा। जो पूर्व पक्षी कह रहा था ना कि जो मलिनता होगी या शब्द होगा उस रूप में देखेंगे तो फिर तो सब सर्वसाधारण होगा। तस्मात् प्रमादाध्ययनम अवगम्येत विनैव हेतुना, इसलिए आप जो कह रहे हो ना वो प्रमाद का अध्ययन का है, ये गलत ढंग से आपने देखा है। आपका मत अगर स्वीकार कर लिया जाए तो, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है कि ये प्रमाद अध्ययन ही समझा जाएगा, विनैव हेतुना, बिना किसी हेतु वाला, ये बस वैसे ही प्रमाद अध्ययन माना जाएगा। आप जो पढ़ रहे हो जैसा अर्थ कर रहे हो बिना हेतु के, बस वैसे ही प्रमाद रूप में अर्थ कर रहे हो। पूर्व पक्षी इस पे आगे कहता है आह ननु पुपांसो विधि विधेय, देखो यहां पर तो पुमान का ही विधान है, दो का विधान होना चाहिए। तद विधाने च न क्षोम विधानम, और अगर दो पुरुषों का विधान है तो क्षोम का विधान नहीं हो सकता, वही पूर्व वाली बात कह रहा है। वाक्य भेदो ही तथा स्यात, नहीं तो वाक्य का भेद होगा। श्रुतिगम्यौ च पुमांसौ वाक्यगम्यम च क्षोमम बाधेयातामिति, तो श्रुतिगम्य तो पुमान है और वाक्यगम्य क्षोम को वो बाधित करेंगे। इस पर सिद्धांति कह रहा है अत्र उच्यते न पुमांसौ विधेयौ प्राप्त एव अत्र स्वद्वितीय पुमान, बोले पुमान यहां पर विहित नहीं है, क्योंकि यहां पर जो स्वद्वितीय पुमान है यानी दूसरे के साथ में पुमान है वो तो प्राप्त ही है प्रकरण से, यानी स्त्री प्राप्ति ही है वहां पर। अब ये जो स्वद्वितीय पुमान है मतलब सपत्निक पुमान, ये अर्थ है स्त्री के साथ में पुमान, ये वो वाला अर्थ की पुष्टि करता है जो शुरू में हमने लिया है ना अर्थ, उसकी पुष्टि में जाता है कि ये तो प्राप्त ही है, प्राप्त एव अत्र स्वद्वितीय पुमान सो अनुद्यते, उसका तो अनुवाद किया जा रहा है। कथम एको अत्र पुमान श्रूयते तस्य पत्न्या द्वितीय शब्द स्यात्, एक पुमान तो यहां सुना ही जा रहा है और पत्नी उसके साथ में होती है। न च यत प्राग वचनात् गम्यते तद विधेयम भवति, जो पूर्व वचनों से ज्ञात होता है उसका फिर से कथन किया नहीं जाता है, वो विधेय के रूप में नहीं होता है। तस्मात् क्षोम विधानम न वाक्य भेदो भवति, इसलिए यहां केवल और केवल क्षोम का विधान है इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। तब देखो कहां जाकर के पहुंचे उस अर्थ को जो कि श्रुति का है या निकट का है। वसानौ आदति यातम, व्याकरण की दृष्टि से हम देखेंगे कि वसानौ से ही जुड़ा हुआ है, उसी की विधि होनी चाहिए, लेकिन चूंकि पहले कहा जा चुका है इसलिए अब इसको विधि नहीं मानेंगे, उसको तो अनुवाद मानेंगे और क्षोम की विधि मानी जाएगी। इसमें विधि वाक्य क्षोम हो, विधि क्षोम की मानी जाएगी। आगे कह रहे हैं यदि चेतेना क्षोमस्य विधायको अस्ति इति, बोले जो आपने कहा था कि क्षोम का विधायक कुछ है ही नहीं, पूर्व पक्षी ने कहा था, तदुच्यते उसका उत्तर दे रहे हैं आददि यातम इति तद विधास्यति, आददि यातम यही उसका क्षोम का विधान कर देगा। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु एतद आधानम श्रुत्या विधातुम समर्थम न अन्यदिति, बोले ये जो आधान ननु एतद आधानम विधातुम एतम श्रुत्या आधानम विधातुम समर्थम, श्रुति से
ये आधान का ही विधान कर सकता है। कौन? लिंग। श्रुति से ये केवल आधान का ही विधान कर सकता है, न अन्य द्विति और किसी का नहीं कर सकता। तो सिद्धांत कह रहे हैं उच्यते शब्दांतरेण विहितत्वात् आधानस्य न विधायकम्। क्योंकि शब्दांतर से वसंते ब्राह्मणों अग्निम आदधीता, शब्दांतर से आधान का विधान हो जाने से अब ये उसका विधायक नहीं हो सकता है। विहितत्वाच्च पुंसः स्वद्वितीयस्य, और जो पुरुष के सहित द्वितीय है यानी सपत्नी पत्नी है उसका भी विधान हो चुका है, तस्यापि न विधायकम्, उसका भी विधायक नहीं हो सकता है। अतः तद असंभवात क्षोमस्य विधायिका लिंग भविष्यति, इसलिए इनके असंभव होने से और किसी का विधान तो हो नहीं सकता है, इसलिए जो लिंग है ये क्षोम की विधायिका हो जाएगी। वाक्य सामर्थ्यात, वाक्य के सामर्थ्य से नहीं, तो वाक्य पढ़ा गया है तो कुछ ना कुछ तो विधान होना ही चाहिए, अपूर्व होना चाहिए, इसलिए क्षोम का विधान करने वाली है, दूर जाकर के भी विधान कर रहे हैं। आगे यस्तु अस्मिन् पक्षे अत्यंताय स्वार्थम जहाती इति, और जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि अगर क्षोम को विधान करोगे तो आदधि आताम का जो आधान है उसका अत्यंत त्याग हो जाएगा, वो जो दोष बताया था। बोले न अत्यंताय हास्यति, अत्यंत न अत्यंताय, न जोड़ लेना या के बाद में आधा न अत्यंताय हास्यति, पूरे के कनाश फिर भी नहीं होगा यहां पर। क्यों? आधाने वासह क्षोमम कुर्यादिति, कि यहां पर क्या होगा, आधान में वासह क्षोमम कुर्यात, जो कपड़ा है, वासह ये द्वितीय का एक वचन है और क्षोमम है ये भी द्वितीय का एक वचन है, कपड़े को क्षोम का करे, ये यहां पर विधि हो जाएगी। आधान से जुड़ गया ना, आधान में जो कपड़े हैं वो क्षोम वाले होने चाहिए, ये विधि जुड़ गई, आधान से जुड़ गया। अस्मिन् पक्षे पुंशतः स्त्री पुंसयोर वृत्ता इति गम्यते, और इस पक्ष में, मेरे पक्ष में सिद्धांती कह रहा है कि यह जो पुम शब्द है यानी वसानौ औकार, स्त्री और पुरुष दोनों में विद्यमान है। अस्ति ही तत्र तस्य निमित्तम पुमान स्वद्वितीय, क्योंकि उसमें उसका निमित्त विद्यमान है। सपुमान द्वितीय, सपुमान द्वितीय मतलब स्त्री सहित सपत्निक जो पुरुष है ये निमित्त यहां पर विद्यमान है, पुरुष की प्रधानता है यहां पर, पुरुष के साथ में स्त्री है इसकी प्रधानता, पुरुष को ही कहना है यहां पर, उसकी प्रधानता ये निमित्त यहां पर विद्यमान है। एवं आदि च दृष्ट्वा भगवता पाणिनिना सूत्रम प्रणीतम पुमान स्त्रिया इति, इन सब बातों को देख करके ही पाणिनि ने सूत्र रचा पुमान स्त्रिया। तस्य विषयः पुम शब्दः शिष्यमान साधुर्भवति न स्त्री शब्द इति, दोनों हो तो उसमें जो पुम शब्द है वो शिष्यमान होता हुआ साधु होता है, न कि स्त्री शब्द शिष्यमान होती भी साधु होती है। तस्मात एकः पुमान आदधीत न द्वौ इति, इसलिए एक ही पुरुष आधान करेगा, दो नहीं करेंगे। एकस्यैव पुरुषस्य स्त्री स्वद्वितीयस्य आधाने अधिकरणम्, एक ही पुरुष का स्त्री स्वद्वितीयस्य, स्त्री स्वद्वितीय हो उसकी आधान में अधिकरण है। अब देखो पुरुषस्य स्वद्वितीयस्य, इसके मतलब में तो स्वद्वितीयस्य में मतलब तो कोई दूसरा होना चाहिए, कोई भी हो वो, लेकिन वहां इस प्रसंग में जब स्त्री और पुरुष दोनों को लिया तो स्त्री स्वद्वितीय से ये अर्थ है, पुमान स्वद्वितीय यानी स्त्री स्वद्वितीय, और स्त्री स्वद्वितीय तो स्त्री पुमान स्वद्वितीय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति।